हेलो एंड वेलकम टू फ्लेवर्स विद शर्मीन। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी एक बेक्ड रेसिपी। हम बनाएंगे कीमा बंस। सबसे पहले हम इसकी जो आउटर कवरिंग है बंस की वो बनाएंगे, बंस का डो बनाएंगे, उसे राइस करेंगे और फिर कीमे की फिलिंग बना के उसके अंदर फिल करके उसे बेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना कीमा बंस। सबसे पहले हम अपने बंस की डो बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई ईस्ट, 3 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे तेल। आप मेल्टेड बटर भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब यहाँ पर मेरे पास है ये नीम गर्म दूध। थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए हम इसकी एक डो बना लेंगे। सारा दूध यूज नहीं होगा, जितना यूज होगा उतना ही हम यूज करेंगे। थोड़ा थोड़ा तक करके दूध डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। डो हमें इसकी सॉफ्ट ही बनानी है। जितनी सॉफ्ट हमारी डो होगी उतने सॉफ्ट हमारे बंस बनेंगे। ये सारी चीजें हमारी डो की फॉर्म में आ गई है। यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप तक दूध यूज हुआ है। अब हम अपनी डो को 10 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेंगे। दस मिनट तक डो को हमने अच्छी तरह से गूंद दिया। अब ये बहुत ही सॉफ्ट और इलास्टिक हो गई है। अब हम इसे क्लिंग से कवर करेंगे और राइज होने के लिए रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब हम अपने कीमा बंस की फिलिंग बना लेते हैं, जिसके लिए मीडियम हीट पे गरम करेंगे 1 टेबलस्पून तेल। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और यहाँ पर यूज करेंगे 250 ग्राम कीमा। मैं मटन का कीमा यूज कर रही हूँ, आप चिकन का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक और 5 मिनट तक मीडियम हीट पे कंटिन्यूस हिलाते हुए इसे फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट तक कीमे को हमने भून लिया। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 कप पानी, ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मिक्स करेंगे। मसाला आप अपनी पसंद से कोई भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कीमा बचा हुआ है तो आप बचे हुए कीमे को भी इसमें बंस में फिल कर सकते हैं। अब हम हीट को लो करेंगे और कीमे को कवर करके गलने तक पकाएंगे। कीमे को कवर करके गलने तक हमने पका लिया। कीमा अब हमारा गल गया है, ड्राई भी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 मीडियम प्याज चॉप की हुई, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। सारी चीजों को मिक्स करेंगे। ये कीमा बंस की फिलिंग हमारी अब रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने देंगे। डो जो हमने राइस करने रखा था, 1 घंटे के बाद वो राइस हो गया है। खोलेंगे इसको। पंच डाउन कर लेंगे। अब हम इसे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इक्वल साइज के, जिस भी साइज के आपको बंस बनाने हो। तकरीबन इस साइज का 1 इंच का मैं पेड़ा लूंगी और पूरे डो से बॉल्स बना लूंगी। ये बॉल्स हमने बना लिए। अब हम इसमें अपनी फिलिंग करेंगे। ले लेंगे एक बॉल, उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और बेलन की हेल्प से छोटा सा बेल लेंगे पूरी की साइज का।
कोई आटा या तेल हमने नहीं लगाया है। अब ले लेंगे अपनी पहले से प्रिपेयर की हुई फिलिंग, बीच में हम फिलिंग रखेंगे। और इस तरह साइडों से उठाते हुए इसे सील कर लेंगे, जिस तरह से कि हम पराठे के लिए करते हैं। इस तरह अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। ये हमारा बन रेडी हो गया। अब ले लेंगे एक ट्रे, बेकिंग ट्रे, जिसको मैंने पहले से तेल लगा के ग्रीस करके रखा है, उस पर हम रखेंगे अपना प्रिपेयर किया हुआ बन। और अब छुरी की हेल्प से उस पर निशान लगाएंगे, ऊपर ही ऊपर हमें लगाना है, इस तरह से। इसी तरह से मैं सारे बंस प्रिपेयर कर लूंगी। सारे बंस बना के यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे में सेट कर लिए, उन पे कट्स के निशान भी लगा दिए हैं। अब हम अपने बंस को ढक के 15 से 20 मिनट के लिए फिर से राइज होने देंगे। इन बिटवीन हम अपने अवन को प्री हीट कर लेंगे 200 डिग्रीज पर। 15 मिनट तक बंस को हमने राइज करने रखा था, यह अब राइज हो गए हैं। अब हम इन पे ब्रश करेंगे एक अंडा, जिसको मैं फेंट लूंगी। हल्के हाथ से हम ब्रश करेंगे, क्योंकि बंस हमारे अच्छी तरह से राइज हो गए हैं। ये अब हमें इसको, इसका जो राइजिंग पावर है उसको मेंटेन करना है। सारे बंस पे पहले हम अंडा ब्रश करेंगे। पूरे बंस पे मैंने अंडा ब्रश कर दिया। अब यहाँ पर मेरे पास है कलौंजी और ये सफेद तिल। अब हम सेंटर में थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे और फिर पूरे सफेद तिल जो है ये पूरे बन पे स्प्रिंकल कर देंगे। इसी तरह से मैं सारे बंस के ऊपर कलौंजी और ये तिल स्प्रिंकल कर लूंगी। अवन भी हमारा प्री हीटेड है 200 डिग्रीज पर। सारे बंस पर हमने तिल और कलौंजी स्प्रिंकल कर ली। अब इसे अवन में डाल देंगे 20 मिनट के लिए बेक होने को। अब हम अपने बंस को बेक करेंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बंस को हमने बेक कर लिया, निकालेंगे बाहर। बंस हमारे बहुत अच्छी तरह से बेक हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्प है और अंदर से सॉफ्ट है। अब हम अपने बंस को सर्व करेंगे।